दौसा जिले में किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे किसानों को खड़ी फसल में अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ड्रोन के माध्यम से किसान अनेक कीटनाशक उर्वरकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत दौसा जिले में कर दी गई है। इसकी शुरुआत करने के लिए दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी भी एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में पहुंचकर ड्रोन का सर्वे भी किया और दौसा जिला कलेक्टर के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत कर दी है, जिससे किसान किराए पर ड्रोन ले सकेंगे और अपने खेतों में यूरिया नैनो के छिड़काव करेंगे। जो हमारा ग्रेनुलर यूरिया है उसकी जगह हम नैनो यूरिया कहते हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेनिफिट इन सेंस उसका जो कंजम्पशन है हमारे क्रॉप के द्वारा वो अच्छी तरह से होगा तथा कम खर्चे में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं और हमारी जो दानेदार यूरिया के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी। तो दानेदार यूरिया को रिप्लेस हम नैनो यूरिया के माध्यम से करें, वो चीज़ किसानों को समझाने के लिए आज लाइव डेमो यहाँ पे किया गया और आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि नैनो यूरिया की जो टेक्निक है या नैनो यूरिया का जो उपयोग है वो एग्रीकल्चर में बढ़ेगा तथा एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है या हम कहते हैं प्रोडक्शन की जो लागत है वो इस तरीके से कम की जा सकती है। किसानों को किस प्रकार से लाभ मिल पाएगा इन्हें? किसानों आज का जहाँ तक बात है, ये तो लाइव डेमो है, इसमें किसानों को निःशुल्क इसमें जो 20 हेक्टेयर के जो फार्मर्स का सिलेक्शन विभाग के द्वारा किया गया। आगामी दिनों में किसान किस प्रकार से लाभ ले सकेंगे? आगामी दिनों में किसान इसका है जो ये जो ड्रोन की जो कंपनियां हैं हमारे स्टेट में हैं या दूसरे राज्य में काम कर रही हैं, किसान भाई उनसे किराए पे ले सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमाइजिंग सेंटर्स हैं, उनको भी हम सब्सिडी पे KVS है, GS है, उनको भी कृषि विभाग के द्वारा सब्सिडी के ऊपर ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और हमारे किसान भाई उन लोगों से किराए के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किस व्यक्ति से संपर्क करने के बाद में ये उपलब्ध हो पाएगा? इसके लिए मैं आपको वही निवेदन करूं कि जिन लोगों के पास में ड्रोन, अभी हालांकि हमारे जिले में हमने किसी को ड्रोन दिया नहीं है, लेकिन ड्रोन को सब्सिडी पर भी KVS GS और FPS उपलब्ध कराया जाएगा और उन लोगों से ये किसान भाई हमारे किराए पर ले सकते हैं।